नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जनौषधि डॉट कॉम पर हमारे साथ मौजूद हैं आज वरिष्ठ नागरिक केंद्र से डॉक्टर मोहम्मद अजीम, जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और हमें आज बताने वाले हैं कुछ बहुत ही फिजियोथेरेपी से जुड़ी कुछ खास बातें। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। जी हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद अजीम, एमपीटी ऑर्थोपेडिक्स। फिजियोथेरेपी के यहाँ के सेंटर के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि फिजियोथेरेपी क्या है और कब इसकी आवश्यकता पड़ती है। फिजियोथेरेपी इज द फिजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यहाँ हमारे वरिष्ठ नागरिक केंद्र चल रहा है। यहाँ हमारा जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड पेशेंट्स आते हैं, मोस्टली ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे सर्वाइकल और बैक पेन के आते हैं। अब बैक पेन है, कई तरह का होता है, तो वो लोग आते हैं, उसी हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। सर्वाइकल है, आजकल जो है ये बीमारियाँ बहुत बढ़ती जा रही हैं, जैसे कि डिजनरेटिव चेंजेस यानी बदलाव आ जाना, हड्डियों में बदलाव आ जाना एज के अकॉर्डिंग। थेरेपी में अगर हम बात करते हैं तो किस प्रकार से आप ट्रीटमेंट देते हैं? जैसे कि आप, जहाँ तक मुझे पता है कि फिजियोथेरेपी में हम दवाइयों के जरिए, एक्सरसाइज के जरिए किस तरीके से और ट्रीटमेंट दिया जाता है और लगभग कितने से कितने समय में फिजियोथेरेपी कारगर रहती है? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मेरे पास जो पेशेंट आता है, जैसे मान लीजिए सर्वाइकल का ही ले लीजिए या कमर के दर्द का ले लीजिए, कमर के दर्द का पेशेंट आता है मेरे पास, तो उसमें कंडीशंस होती हैं कई सारी। किसी को जैसे कहते हैं ना लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, कमर की हड्डी बढ़ जाना, या किसी को जर्क आ जाना, कोई कंटिन्यू कार ड्राइव कर रहा है, कार ड्राइव करने में क्या होता है जर्क आने लगता है, ज्यादा कमर में दर्द हो जाता है, लॉन्ग ड्राइव करने में आ जाता है, या कंटिन्यू बैठने की वजह से लैपटॉप चला रहे हैं या अपना ऑफिस वर्क कर रहे हैं, कंटिन्यू 2 घंटा 4 घंटा बैठते हैं, तो ये दिक्कत पैदा हो जाती है। अब बात रही ये दिक्कत है, पेशेंट आते हैं इस टाइप के कई सारे, तो पहले तो उसका डायग्नोज ही करना पड़ता है किस वजह से है, क्या प्रॉब्लम है। कुछ एज फैक्टर वाले आते हैं, ज्यादा एज के आते हैं, तो उनको कई सारी अलग अलग दिक्कतें हो जाती हैं, उनकी उम्र के हिसाब से हो जाती हैं। अब कोई जर्क वाला है तो उसका डायग्नोस अलग होता है, सारी हिस्ट्री पूछनी पड़ती है, आपको क्या दिक्कत है, किस वजह से प्रॉब्लम है, तो वो उसका डायग्नोस करने के बाद अब आ जाती है हमारे पास दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोथेरेपी, दूसरा है एक्सरसाइज थेरेपी। दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है, जो भी पेशेंट आता है मेनली दोनों ही दी जाती हैं। तो डायग्नोस करने के बाद कई सारी मशीनें हैं, तो वो हम उसको अप्लाई करते हैं। एक्सरसाइज हैं कई सारी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है जिसको जिससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात करते हैं फिजियोथेरेपी की, तो फिजियोथेरेपी में जो जनरल आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनका एज क्या होता है? मतलब किससे एज से किस एज के बीच में ज़्यादा फिजियोथेरेपी कराने के लिए आते हैं? देखिए ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो 50+ के ही आते हैं, 50 साल के बाद ही ज़्यादातर ये दिक्कतें पैदा होती हैं 50 साल के बाद। जैसे कि घुटने वाले ज़्यादा आते हैं, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, उनके घुटनों में बदलाव आ जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं, हड्डियाँ घिसने लगती हैं, फ्लूड डिक्रीज हो जाता है, जो फ्लूड होता है, तो वो उस टाइप के पेशेंट काफ़ी आते हैं। फिजियोथेरेपी में आपके यहाँ से इलाज के उपरांत कितने टाइम में वो लगभग यहाँ से ठीक हो जाता है? देखिए डिपेंड करता है उसकी कंडीशन पे, पेशेंट की। जी जैसे कि मैंने आपको बताया ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो इसमें चेंजेस आ जाने के बाद उसमें रिकवर होने में काफ़ी समय लग जाता है, महीना 1.5 महीना 2 महीना भी। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि हमें जो है रेफर करना पड़ता है या ऑर्थोपेडिक सर्जन को, या वो लोग हमें रेफर करते हैं कि भाई ये मेडिसिन लीजिए, भाई फिजियोथेरेपी तो उसमें मस्त है, विदाउट एक्सरसाइज इसमें कुछ नहीं होता, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के उसमें स्टिफनेस बढ़ जाती है। तो कई सारी एक्सरसाइजेज हैं नी की पावर बढ़ाने के लिए, उसी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बढ़ाने के लिए, मसल्स की ताकत बढ़ाने के लिए कई सारी ऐसी मेन एक्सरसाइज हैं वो दी जाती हैं, उससे काफ़ी स्ट्रांग भी होता है, नी भी रिकवर होती है, नी में जो उसका जो स्टिफनेस है वो भी दूर होती है, काफ़ी फायदा मिलता है, फिजियोथेरेपी से काफ़ी रिलीफ मिलता है पेशेंट को। अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब, जिस प्रकार आजकल की दिनचर्या होती जा रही है कि ऑफिस वर्क जो लोग करते हैं और कई कई घंटे लगातार चेयर पर बैठकर ऑफिस में अपने जॉब को वो ड्यूटी करते हैं, तो उनमें देखा जाता है कि कुछ स्पाइनल प्रॉब्लम है, उनकी कमर में दर्द लगातार रहता है या गर्दन से या कंधे से जुड़ी उनको समस्याएं हो जाती हैं, उनके दर्द रहने लगता है कंधे में, कमर में बैठने में, या फिर उनको अलग अलग तरीके से दर्द जो है बॉडी में
जॉइंट्स पर रहने लगता है, तो उनके लिए वो कौन सी एक्सरसाइज है या कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जो लोग आप देते हैं और वो कर सकें उसको आसानी से और रेगुलर बेस पर करने पर उनको उससे लाभ मिल सके? देखिए उसमें तो मैं ये कहूँगा कि जो लोग ऑफिस वर्क या कंप्यूटर वर्क कंटिन्यू बैठ के अपना करते हैं, तो उन्हें समय समय पर अपनी नेक का मूवमेंट एक्सरसाइज वो जरूरी है वो करना। बैक पेन रहता है उसमें भी समय समय पर अपना कंटिन्यू एक्सरसाइज करते रहें, मूवमेंट करते रहें, नहीं तो वो मसल्स है और हमारी जो बोन्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं जिसकी वजह से दर्द बढ़ने लगता है। अगर उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आती है तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और लगातार कंटिन्यू कंप्यूटर पर ना बैठें, लगातार जो है ड्राइविंग ना करें, ये चीज़ें सब चीज़ नुकसान देती है। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि लगातार ड्राइविंग ना करें, लेकिन जो हमारी मार्केटिंग से जुड़े हुए बंदे हैं और जो रेगुलर बेस पर ड्राइविंग करते हैं, ड्राइवर्स हैं या और जो लोग हैं जो लगातार दिन में 4 से 5 घंटे की या 3 से 4 घंटे की ड्राइविंग करते हैं, उनको कमर से जुड़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं क्योंकि रोड इस तरीके के हो गए हैं कि काफ़ी तरीके की रोड पर दिक्कतें रहती हैं। तो उन लोगों के लिए सर क्या आपकी ट्रीटमेंट या राय रहती है सर? देखिए मेरे पास इस टाइप के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ये अपनी प्रॉब्लम्स लेके, कुछ स्पोर्ट्स इंजरी के भी आते हैं, कुछ खेल कूद वाले आते हैं, क्रिकेट वगैरह के भी आते रहते हैं, तो उनको भी बैक पेन, जर्क आना, ये सब चीज़ें, तो उसको आते हैं, देखता हूँ मैं काफ़ी, डायग्नोस करने के बाद उसका ट्रीटमेंट यहाँ एक्सरसाइज कई सारी बताता हूँ और ठीक होके जाते हैं। तो मतलब यही है कि पेशेंट हम उसको प्रिकॉशंस बताते हैं आगे के लिए, कभी कभी कंडीशंस हो जाती है कि हाँ हमें बेल्ट भी बतानी है, सारी सावधानी बता के मैं चलता हूँ तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है, ठीक होता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से ज़्यादा पेशेंट यहाँ से ठीक होकर जाएं और आपके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।